मैं हूँ भुटिया मार्केट में, नौगांव में। और भुटिया मार्केट में क्या क्या प्रोडक्ट मिलता है और कैसा कैसा उसका क्वालिटी है, आगे हम लोग देखेंगे। और इसके लोग कैसे हैं और क्या क्या प्रोडक्ट मिलता है उनके बारे में मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगा वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। गाइस, मैं नित्तो आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल क्लॉथ नॉलेज में। जैसे आप देख सकते हैं, मैं अभी भुटिया मार्केट में हूं और ये लोग जो सारे प्रोडक्ट होते हैं, ये लोग मैक्सिमम प्रोडक्ट भूटान से बना के लाते हैं। जो कि मैक्सिमम यहां में प्रोडक्ट आपको हैंडमेड मिलेंगे और कुछ मशीन मेड भी है। ऐसा नहीं कि सभी हैंडमेड है, मशीन मेड भी रखना पड़ता है क्योंकि आजकल सभी का चॉइस अलग अलग हो गया है, जिसके वजह से हर तरह की वैरायटी इनको रखना पड़ता है। और इनके पास खासियत सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन चीज़ मिलता है कि हाथ से बना हुआ स्वेटर, जो कि आजकल मार्केट में आपको मिलता ही नहीं। आप कोई सा भी ब्रांड में चले जाओ, ओनर हो, मोंटी कार्लो हो, अब बड़े बड़े ब्रांड्स में चले जाओ, सब में आपको सब मशीन मेड मिलता है, लेकिन इसमें सब मैक्सिमम हैंडमेड मिलता है। जैसे आप किसी भी एक कार्डिगन को ले लीजिए, उसमें क्या होगा, आपको कंपनी का तरह इतना ज़्यादा ओवर प्राइस या टैग, जैसे देख सकते हैं सिस्टर दिखा रहे हैं, ये जो स्वेटर है, ये सब जो काम देख रहे हैं, वर्क सब, ये सब हाथ से बनाया हुआ है। और ये सब का क्या होता है, जैसे कंपनी का लोगो लगने के बाद उसका प्राइस टैग बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका अगर हम लोग प्राइस जानने की कोशिश करेंगे तो ओनली 780 शायद मेरे हिसाब से, तो 780 पे ये लोग इतना एक बढ़िया कार्डिगन दे रहे हैं, जो कि आप किसी एक ब्रांड में जाएंगे तो शायद से इसका दाम ही 1700 या 2700 रुपया होगा। तो आप लोग देख सकते हैं, ऐसे ही भुटिया मार्केट शायद आपके शहर में भी अलग अलग जगह पे हो सकते हैं, तो आप लोग वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं और अपने मुताबिक के हिसाब से आप देख सकते हैं कपड़ा। और ये लोग बहुत ही लॉयल है, हो सकते हैं ये लोग बाहर से आए हैं, लेकिन बहुत लॉयल है, बहुत ही फ्रेंडली है। जैसे ही मैं यहाँ पर आया तो इन लोगों ने बहुत ही अच्छा स्वागत किया और मुझे बोलने का मौका दिया इनके मार्केट के बारे में। इसके लिए मैं दिल से उनसे और जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, तो काइंडली मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि यहाँ का कपड़ा हो सकता है थोड़ा प्राइस में आपको ब्रांडेड कपड़ा से होने में, लेकिन क्वालिटी वाइज आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, उनसे काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। तो आप एक बार देख सकते हैं, मैं बाकी आपको इसका जो व्यू होता है वो दिखा दूँगा और इसका जो लोकेशन होगा वो मैं चैनल में डाल दूँगा। तो मार्केट का व्यू आप लोग देख सकते हैं, यह क्राउड भी है थोड़ा बहुत, और आप लोग आके कृपया ट्राई कीजिएगा, क्योंकि देखिए देखने में आपको पता नहीं चलेगा। और यहाँ पे दोस्तों गूगल पे, फोन पे ये सब नहीं चलता, आपको कैश लेना पड़ेगा। कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हैं आपको बिल्कुल कैश में लेना होगा। और यहाँ आप जैसे देख सकते हैं, यह साइजेस भी अवेलेबल है कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में। और जैसे यहाँ का स्वेटर आपको बहुत ही अच्छा मिल जाएगा आपको, और यहाँ के लोग बहुत ही प्यारे हैं और बहुत ही फ्रेंडली है। सो थैंक यू कि उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मुझे ये मौका दिया कि मैं उनकी मार्केट को एक्सप्लोर कर सकूं, तो उसके लिए मैं दिल से शुक्रिया करता हूं इन सबको। नमस्ते, आपको भुटिया मार्केट में सब लोगों को स्वागत है। और हमारे इधर बहुत अच्छा अच्छा ऊन है, फुंगू का ऊन, हाथ से सिला, खुद से बुना, देखने में अच्छा, पहनने में गर्म, दो दिन बाद लुगलू। शुक्रिया। तो दोस्तों मार्केट को ज़रूर आप विजिट कीजिएगा। ये मार्केट नौगांव में है, नौगांव के हबरगांव में है, हबरगांव शिव मंदिर के पास ही। मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन डाल दूंगा और आप लोग आके ज़रूर देखें मार्केट को। देख सकते हैं यह शॉल स्टॉल बहुत ही अच्छा स्टॉल है। अगर मैं आपको ठीक से दिखा पाऊँ तो आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए बहुत बढ़िया स्टॉल है। स्वेट शर्ट, स्वेटर, जैकेट्स, कार्डिगन्स, आपको हर तरीके के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। और जैकेट में भी कुछ अच्छा खासा वैरायटीज है। ये देखिए सारे प्रोडक्ट को तो खोल के दिखाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन तो खोल तो एवे रोमन तो खोल।